सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति में 1999 में कदम रखा था। वो अमेठी और बेल्लारी दोनों सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों ही सीटों से जीत दर्ज की थी। रायबरेली से सोनिया गांधी ने पांचवीं बार नामांकन दाखिल किया है। अब तक सोनिया गांधी अपने राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव नहीं हारी है। अगर रायबरेली से वो चुनाव जीतती हैं तो ये उनकी सातवीं जीत होगी। सोनिया गांधी ने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक यूको बैंक में सोनिया गांधी का करीब 2.25 करोड़ रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट है। उनके पास करीब 2.5 करोड़ रुपए के शेयर हैं। करीब 60 लाख रुपए के जेवरात का ब्यौरा भी उन्होंने नामांकन पत्र में दिया है और नामांकन पत्र के मुताबिक उनके पास कोई कार नहीं है। दिल्ली के सुल्तानपुर में उनके पास 3 बीघा जमीन है और इटली में करीब 23 लाख रुपए की पैतृक संपत्ति भी। यूपी के अमरोहा में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक सभा में पुलिस वालों ने कुछ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अखिलेश यादव यहां गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, तभी कुछ लोग सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अखिलेश यादव से मिलने उनके पास पहुंच गए, जिसके बाद भीड़ और बढ़ने लगी और तभी पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे रैली में अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज की चपेट में कुछ मीडिया कर्मी भी आ गए, जिसकी खबर मिलते ही अखिलेश मीडिया कर्मियों का हाल जानने उनके पास पहुंच गए। इस बीच लोगों और मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और अखिलेश से पुलिस की शिकायत करने लगे। पुलिस के इस रवैये के लिए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। 2-4 सिपाही लगा लेते हैं हमारे कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाएंगे हजारों सिपाही, अरे सुरक्षा सबकी बराबर है। वहीं पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज की घटना से साफ इनकार कर दिया। बल्ली पे काफी लोग चढ़ गए थे, उनको उतारने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया, किसी का लाठी नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मतदान के दौरान बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को वोट पड़ने का आरोप लगाया और मतदान केंद्र के बाहर भारी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। हंगामा कर रहे लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिनकी पुलिस से बहस हो गई। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार मलुक नागर भी वहां पहुंच गए और ईवीएम को तुरंत बदलवाने की मांग की। पांचवी चौथी वोट और कई बार लगातार जो हाथी पे दबा रहे हैं वो फूल पे जा रही है। हालांकि मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव अधिकारी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसी कोई शिकायत थी, चुनाव जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने चुनाव आयोग में शिकायत कर इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। बहुत बड़ी धांधली हो रही है, इस पे एक्शन इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए इमीडिएट। तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। तेज प्रताप यादव ने बगावती तेवर दिखाते हुए जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ उतरे चंद्रप्रकाश यादव के लिए रोड शो कर वोट मांगे। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने राजकोट में छात्रों को मतदान के बारे में जागरूक किया और उनसे वोट डालने की अपील की। हरियाणा के पंचकुला में चुनाव आयोग की टीम ने जांच के समय एक आदमी से 7.5 लाख रुपए बरामद किए। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर सेना का नाम लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की धमतरी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि जल्द ही राज्य से नक्सलियों को सफाया कर दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली कर वोट मांगेंगे। बिहार के गया और औरंगाबाद में पहले चरण की वोटिंग से पहले बम मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सुरक्षा बल ने नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद लोग बेखौफ होकर मतदान कर पाए। बम मिलने की पहली सूचना गया के डुमरिया में एक पोलिंग बूथ के पास मिली। नक्सलियों ने इस बम को जमीन में दबाकर रखा था, लेकिन सुरक्षा बल ने बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। वहीं नक्सलियों ने दूसरे बम को इमामगंज इलाके में एक पुलिया के नीचे लगाया था, जिसकी खबर मिलने के बाद बम नाकाम करने वाले दस्ते को बुलाया गया। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जहां पर आईडी मिलने की सूचना है, आईडी मिली है। उधर औरंगाबाद में भी सुरक्षा बल को एक पोलिंग बूथ के पास 2 बम मिले, जिनको वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया। गया और औरंगाबाद समेत राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के तहत वोट डाले गए। देश में 3 सबसे चर्चित नेताओं में पीएम मोदी नंबर 1 पर है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ट्विटर इंडिया ने राष्ट्रीय नेताओं की सूची जारी की है। इस सूची के मुताबिक पीएम मोदी सबसे ज्यादा चर्चित नेता है, वहीं अमित शाह इस सूची में दूसरे और योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पर है। ट्विटर इंडिया की सूची में राहुल गांधी 4थे जबकि प्रियंका गांधी 5वें नंबर पर हैं।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कुछ मतदाताओं को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद पोलिंग बूथ के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की। वहां दो पुलिस वाले भी दिखे, जिन्होंने हंगामे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुछ वोटरों को अंदर जाने से रोका, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। कुछ और पोलिंग बूथ से भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबरें आईं। बताया गया कि बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक और उनके समर्थकों को पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया गया, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही लगा। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक और उनके समर्थकों की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर बहस भी हुई। वहां सुरक्षा में तैनात जवानों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आखिरकार निशित प्रमाणिक अपने समर्थकों के साथ वहां से लौट गए। वहीं एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार गोविंद रॉय की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। गनीमत यह रही कि इस हमले में किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन कूच बिहार के एक और इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के लोगों पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी को बोले अपराध। कूच बिहार से टीएमसी के उम्मीदवार परेश अधिकारी मैदान में हैं, जिनको हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए निशित प्रमाणिक टक्कर दे रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में बीजेपी नेता भंवर सिंह और नवीन शर्मा के बीच माइक पर बोलने की बात पर विवाद हो गया, जिससे खफा भंवर सिंह के समर्थकों ने नवीन शर्मा की पिटाई कर दी। हंगामा तब हुआ जब अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भगीरथ चौधरी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस बीच मंच पर माइक पर बोलने की बात पर भंवर सिंह और नवीन शर्मा के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद भंवर सिंह के समर्थकों ने नवीन शर्मा के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग नवीन शर्मा को बचाने की कोशिश करते दिखे। इसी बीच काली शर्ट पहने एक और आदमी ने उन पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। उसने जबरन मेरे साथ हाथापाई की और उसके साथ 5-25 असामाजिक तत्व थे। मारपीट के बाद नवीन शर्मा ने भंवर सिंह पर बीजेपी के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते। अजमेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया की चुनाव आयोग से शिकायत की। गुजरात बीजेपी ने कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपना वोट डाला। उत्तराखंड के टिहरी में 100 साल से ज्यादा उम्र की दो महिलाओं ने मतदान के बाद लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के पौड़ी में मतदान किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आरएसएस नेता की आतंकी हमले में हुई मौत के मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया, जिसने आतंकियों के 3 समर्थकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महाराष्ट्र के नागपुर में लोग 44 डिग्री के तापमान में भी बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे। अमेरिका के ओरेगॉन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई इलाके डूब गए, जिसके बाद 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक आपात बैठक के बाद इशारों में अमेरिका समेत उन देशों को गंभीर झटका देने की शपथ ली जो प्रतिबंधों के जरिए उनके शासन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास हुए ब्रिज हादसे में घायल एक और महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया। दिल्ली के किराड़ी में एक पुरानी इमारत के ढहने से 5 लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर विजेता अभिनेता जेफरी रश ने एक अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीत लिया, जिसने उन पर एक अभिनेत्री से बदसलूकी का आरोप लगाया था। चीन के हेनान प्रांत में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। दार्जिलिंग में अमित शाह के साथ ममता बनर्जी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी को 2009 और 2014 में गोरखालैंड मुद्दे का फायदा मिला और दार्जिलिंग सीट पार्टी के खाते में आई थी। यही वजह है कि अपनी रैली में अमित शाह ने एक बार फिर गोरखालैंड का जिक्र छेड़ा। पारंपरिक वेशभूषा में दार्जिलिंग के लोगों के बीच पहुंचे अमित शाह ने गोरखा टोपी लगाई हुई थी और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत गोरखालैंड के मुद्दे के साथ की। आवाज ऐसी जानी चाहिए कि यहां से दीदी को गोरखाओं की दहाड़ से डर लगना चाहिए। इतना ही नहीं, अमित शाह ने ममता बनर्जी पर दार्जिलिंग की बर्बादी का आरोप भी लगाया।
अमित शाह यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने गोरखाओं के विकास के लिए ममता बनर्जी को हराने की भी अपील की। गोरखाओं की 3 दशक के संघर्ष का विजय ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक देने में। दार्जिलिंग में जीत के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि अमित शाह की रैली के बाद ममता बनर्जी ने भी वहां रैली की। ममता बनर्जी ने अमित शाह के वार पर उसी अंदाज में पलटवार भी किया और पूरा भाषण हिंदी में दिया। ममता ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। ए लोगों मदद मत करो, ए लोग दार्जिलिंग का बाइबल को प्रेम नहीं करते, रुपया लेके पीने भागते हैं। साथ ही उन्होंने दार्जिलिंग से बीजेपी के मौजूदा सांसद पर भी निशाना साधा। दिल्ली से आया हलवा खाके भाग गया। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में दार्जिलिंग लोकसभा सीट बेहद अहम है क्योंकि पिछले 2 बार से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में बीजेपी के टिकट पर जसवंत सिंह को दार्जिलिंग से जीत मिली और 2014 में सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार जीजेएम यानी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 गुटों में बढ़ जाने से दार्जिलिंग सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है क्योंकि जीजेएम के बिमल गुरुंग और रोशन गिरा गुट ने अपने पुराने विरोधी जीएनएलएफ यानी कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया, जबकि जीजेएम के विनय तमांग गुट ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है। माना जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने इसीलिए ये सीट छोड़ दी और बीजेपी ने मणिपुर के राजू बिष्ट को यहां से टिकट दिया जिनका टीएमसी के अमर सिंह राय से मुकाबला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुरके में वोट डालने पहुंची, लेकिन वहां से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान ने बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया जिसकी शिकायत भी बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से की। सुबह सुबह एक बूथ पर संजीव बालियान अपना वोट डालने पहुंचे थे जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया। फर्जी वोटिंग मुझे स्पष्ट लगा, चेहरा चेक नहीं रहा तो फर्जी है, आप कैसे रोक पाएंगे। लगे हाथ संजीव बालियान ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर भी लापरवाही का आरोप मढ़ दिया। मैंने चुनाव आयोग को कहा कि जो अधिकारी ड्यूटी पर उनकी गलती है, चेहरा देखने के बाद उन्हें वोट दिलवाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और ये दावा किया कि बिना पहचान किए किसी को भी मतदान की इजाजत नहीं दी गई। वहीं बुरके में मतदान के लिए पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने भी आरोपों को खारिज कर दिया और न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि चेहरा देखने के बाद ही उनको वोट डालने की इजाजत दी गई। बस देख के फेस ऐसे देख के जब डलवा रहे हैं, मतलब फेस का नकाब हटा के करवाया है उन्होंने। वहीं आरएलडी उम्मीदवार अजीत सिंह ने भी संजीव बालियान के आरोपों को उनकी निराशा करार दिया। वो तो जो कहेंगे वो तो कहना ही है उनको, उल्टी सीधी बात तो आखिर निराशा में क्या कहोगे। पहले चरण के तहत पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर समेत 8 सीटों के लिए वोट डाले गए। आईपीएल के 12वें सीजन के 25वें मुकाबले में चेन्नई ने राजस्थान को 4 विकेट से हरा दिया। हालांकि मैच के समय धोनी का गुस्सा देखने को मिला। मैच के आखिरी ओवर में चेन्नई को 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। बेन स्टोक्स के ओवर की 3री गेंद पर धोनी आउट हो गए थे। 4थी गेंद पर अंपायर ने नो बॉल दी लेकिन बाद में मुकर गए। इस पर धोनी को इतना गुस्सा आया कि वो मैदान में घुसकर अंपायर से भिड़ गए और बहस करने लगे, लेकिन अंपायर ने नो बॉल नहीं दी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की बागपत सीट पर 64% मतदान हुआ। बागपत से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों के अलावा महिलाओं और बुजुर्गों समेत सभी लोगों ने बटन दबाओ देश बनाओ का नारा बुलंद किया और बागपत के बड़ौत में बूथ नंबर 126 पर वोटरों का जबरदस्त स्वागत किया गया। वोटिंग करने गए लोगों पर फूलों की बारिश की गई और ढोल बजाकर उनका अभिनंदन किया गया। बागपत के अलग अलग मतदान केंद्रों के बाहर महिलाओं की लंबी कतार भी देखी गई, जिनका उत्साह देखने लायक था। जब प्रत्याशी का चयन करेंगे तो क्या दिमाग में होगा, किन मुद्दों पर क्या सोचकर? यही कि महंगाई, बिजली पानी सब व्यवस्था ठीक ठाक हो। बागपत लोकसभा सीट से कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली टक्कर बीजेपी और गठबंधन के बीच है क्योंकि यहां से गठबंधन ने अजीत सिंह के बेटे को टिकट दिया है। बागपत से बीजेपी के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह मैदान में हैं जो 2014 में यहां के सांसद चुने गए थे, जबकि गठबंधन से आरएलडी के जयंत चौधरी उम्मीदवार। बागपत को आरएलडी की परंपरागत सीट माना जाता है जहां से जयंत के पिता और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। जाट मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे आरएलडी इस सीट को बीजेपी से छीनना चाहती है क्योंकि बागपत में 29% मुस्लिम, 9% जाट और SC/ST की आबादी करीब 14% है। यही वजह है कि बीजेपी के सत्यपाल सिंह और आरएलडी के जयंत चौधरी की धड़कनें तेज हैं। बागपत से चुनाव लड़ रहे इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने वोट डाले और वहां के 16 लाख से भी अधिक वोटरों का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई।
साथ ही बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने वोट डालने से पहले हवन किया और भगवान से जीत की प्रार्थना की, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला। यहाँ के नौजवान अभी समझदार हो चुके हैं और इसलिए कहीं नहीं जा सकता, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। आरएलडी के जयंत चौधरी भी अपने समर्थकों के साथ वोट डालने पहुंचे और बड़े अंतर से जीत का दावा किया। जनता पे पूरा हमें विश्वास है और हर एक वर्ग जो निकल के महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेगा। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह पिछली बार यहां से चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। पीएम मोदी की महाराष्ट्र के अहमदनगर में रैली होगी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय के समर्थन में एक जनसभा करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी और गठबंधन के पोलिंग एजेंट के बीच विवाद होने पर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में एक फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से दो लोग घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला पर मोबाइल पर बात करने से टोकने पर पति की हत्या का आरोप लगा। उत्तराखंड के देहरादून में एक दारोगा और दो सिपाहियों को एक आदमी से लाखों रुपए की लूट के मामले में सस्पेंड किया गया। नजमा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया की अगली वाइस चांसलर होंगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के उम्मीदवार ने एक मतदान केंद्र में तोड़फोड़ कर, उनका आरोप है कि इस मतदान केंद्र में ईवीएम की स्क्रीन खराब थी, जिसकी वजह से वो मतदान केंद्र के अंदर घुसे और उन्होंने वहां रखी ईवीएम उठाकर जमीन पर पटक दी। ये हंगामा अनंतपुर की गुटी विधानसभा सीट से जनसेना पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने किया। वोट डालने के बाद उन्होंने खराब ईवीएम की शिकायत की और इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। मधुसूदन गुप्ता यही नहीं रुके, इसके बाद वो मीडिया को लेकर दूसरे कमरे में गए, जहां चुनाव कर्मियों से उन्होंने दूसरी ईवीएम को भी दिखाने की मांग की। इस दौरान वो चुनाव कर्मियों से भी उलझ गए। कुछ ही देर में वहां पुलिस बुला ली गई। मतदान केंद्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने मायावती के साथ गठबंधन किया है। आंध्र प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों के साथ 175 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की कूचबिहार लोकसभा सीट के 754 बूथों पर फिर से मतदान करवाने की मांग पर बीजेपी प्रत्याशी निश्चित प्रमाणिक समर्थकों के साथ डीएम ऑफिस में धरने पर बैठ गए। इस बीच प्रमाणिक की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के एक जवान और पुलिस वाले के बीच धक्का मुक्की हो गई और फिर सीआईएसएफ के जवान ने पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ लिया, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। बाद में सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। इस बीच निश्चित प्रमाणिक के साथ धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रीपोलिंग की मांग पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निश्चित प्रमाणिक ने 754 बूथों पर फिर से मतदान करवाने की मांग की है, जहां सेंट्रल फोर्स तैनात नहीं किए गए थे। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने जम्मू कश्मीर में प्रचार किया। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने उधमपुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया और राज्य का अलग पीएम बनाने की मांग को खारिज कर दिया। दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने नागपुर में अपना वोट डाला। छत्तीसगढ़ पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। असली मुद्दों को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, फौज के कंधों से सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के भागलपुर में एक जनसभा की और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने वाली बात दोहराई। हमने घर में घुसकर मारा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर राफेल मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया। इतना झूठ और इतना सफेद झूठ तो हमने बोलते हुए किसी को नहीं देखा। मध्य प्रदेश के रतलाम में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को फूल देकर वोटिंग के लिए जागरूक किया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक हलफनामा दाखिल किया और बताया कि सीबीआई को जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें पहली नजर में क्लीन चिट दे दी थी। उत्तराखंड में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी ने पिथौरागढ़ में मतदान किया। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर देशवासियों से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। दिल्ली के उत्तम नगर में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने दावा किया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।